उसके लिए तेरे पास समय है, धन है, पैसा, और जो तुझे उस धाम का भी परम यात्रा करवा दे उसके लिए समय नहीं है। इसलिए गौ चरणों में समर्पण होना चाहिए। आज भी बोलता हूं ओनली फार गोचरण से किसी भी तरीके का कैंसर हो गारंटी से ठीक होता है, ये मैं दावा करता हूं इस मंच से WHO को बोलता हूं, आ जाओ आजमा लेना। गाय के गोबर के पंचगव्य से 5 पुत्रियों को भी बेटा मिल जाता है, लेकिन आप गाय नहीं पालेंगे, इनोवा रखेंगे, जेक्वा रखेंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा समय रहा तो गौरी गणेश की पूजा किससे करोगे? भागवत कथा श्रवण का मतलब जीवन में बदलाव, बाकी टाइम पास करना तो कहीं भी हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों से पूछे बालक कथा कैसी लगी, मस्त मजा आई वापस रे, टाइम पास था, बीजे हूँ करूँ अपने ने बाबा आचरण में उतारवानू चाहिए ने मां बाप ने सेवा करू चाहिए ना, करो ना तो पची भागवत ना फायदा हुए, टाइम पास मनोरंजन का साधन है नहीं, जीवन में बदलाव। भागवत कथा श्रवण करने के बाद अगर पुत्र रोज सुबह पिता का पैर छूने लगे, माता का पैर छूने लगे, मस्तक पे तिलक लगाने लगे, दरवाजे पे तुलसी हो, घर में अग्निहोत्र हो, ठाकुर की उपासना और चरणामृति का पान हो, तो भागवत का आनंद है, नहीं तो कोई फायदा है। 700 को पकड़ो, नश्वर को छोड़ दो, और आज परीक्षित जी ने क्या किया, तुम्हें मृत्यु सुनिश्चित है, सर्पदंश होगा, फिर डरना क्या, और उनके भाव क्या था, मन को समझा रहे तो क्या, ओ मेरे मनवा Let's go.
और संकीर्तन करते हुए राम धुन लागी श्री राम धुन पवित्रीकरण किया जाता है विप्र देवता हरि हवो मा पावित्रम पावित्रो सर्वास्थान गतो विवा यम स्मरेत पुंडरीम काक्षा सवाह्या व्यंतरह सुचि ओम सह पुना। पवित्रीकरण का भाविक प्रमाण या शाब्दिक अर्थ ये है अपनी आत्मा में देवत्व धारण करना। अगर आत्मा में देवत्व नहीं है तो पवित्रीकरण का कोई भी अभिप्राय यज्ञ की भाषा बोलते हैं आप द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ ज्ञान यज्ञ अनेक प्रकार के यज्ञ हैं लेकिन यज्ञ का उत्पत्ति यज धातु से है। यज्ञ की उत्पत्ति यज धातु से है अस्तु यज धातु से यज्ञ निर्माण हुआ है और यज्ञ करने के लिए प्राण की वेदी हृदय की संविधा ज्ञान की अग्नि जला करके मन के विकारों की आहुतियां दी जाए तो यज्ञ पूर्ण होता है अन्यथा यज्ञ का अभिप्राय। घी और सामग्री जलाने को ही यज्ञ नहीं कहते। अगर किसी अनाथ व्यक्ति का पार्थिव पड़ा है
कोई उसका अंत्येष्टि करने वाला नहीं है। आपने अगर अंत्येष्टि किया तो यज्ञ से कम नहीं। कोई अबला कन्या समाज के कुदृष्टि का शिकार बन रही है, आपने उसका विवाह कराया तो कोटि यज्ञ से कम नहीं है। कोई बालक है, शिक्षा का दान दिया, उसके लिए व्यवस्था कराई तो वो भी यज्ञ है। हमारा तो स्लोगन ही है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, एंड माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट, माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। कहने का अभिप्राय है बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कोई भी परमार्थ का कार्य यज्ञ से कम नहीं। परम धन अर्थ अस्तु परमार्थ, जीवन का परम अर्थ इस परमार्थ में ही छिपा हुआ है, क्योंकि ये पॉलिसी है, जैसे आप दोगे वैसे आप लोगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं यहां? ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है ना। तो यहां पर हृदय पे बिहारी का आसन है, भागवत जी का आसन है, ज्ञान का प्रकाश है, वैराग्य भक्ति और सूक्ष्म रूप से देवताओं के आसन आपके सुरक्षा कवच हैं। और इसे श्रवण करने के बाद आपके जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाएगा, दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, ऐसा वेद व्यास जी ने कहा। भागवत कथा श्रवण करना है तो पात्र, सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपका पात्र ही सही नहीं है ना, तो विष के पात्र में अमृत डालने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अमृत भी विष में बदल जाएगा। भगवान राम का अवतार होना था शेखावत जी, सारी तिथियां 1, 2, 3 सारी तिथियां, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चौदश पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी सब लाइन में खड़ी है, सारे भाव से कहती है प्रभु मुझ में अवतार लो, द्वादशी कहती है मुझ में अवतार लो, 8 की 8 तिथियां स्वागत करती हैं प्रभु मुझ में अवतार लो, लेकिन नवमी तिथि एक कोने में जा करके रुदन कर रही है, मेरे प्रभु ने कहा अरे नवमी तू क्यों रो रही है? कहने लगी महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं, रिक्त का मतलब खाली और रिक्ता का मतलब अस्तित्व विहीन, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। नवमी ने कहा महाराज मैं रिक्ता तिथि हूं इसलिए रो रही हूं, काश मेरा भी मान होता तो मैं भी उस श्रृंखला में होती, मैं भी उस पंक्ति में होती, मैं भी निवेदन करती। भगवान ने कहा रे मूर्खा मेरा तो काम है खाली पात्र को भर देना, और नवमी में जन्म लेकर के भगवान ने नवमी का महत्व तो बढ़ दिया। नवमी अतिथि मधुमास पुनीत यह चरित प्रतीत, नवमी की तिथि में भगवान ने जन्म लेकर के नवमी का महत्व बढ़ा दिया। और इतने नहीं, आजकल हर व्यापारी हर संत नौ को ही गिनते हैं ना राजेश जी, नौ को क्यों गिनते हैं खंडेलवाल साहब?
क्योंकि नवमी जो है ना नव पूर्ण अंक है, ये कभी कमी नहीं होता। आप लोग, हम तो बाबा कम पढ़े लिखे, आप गणित जोड़ लो, हम लोग का अंगूठा ठीक है, जो गुरु जी ने दे दिया वो अपने पल्ले में। उनसे लोगों ने कहा महाराज आप भागवत जी करते हो, मैंने बोला जी मैं नहीं करता, भगवान की कृपा और शारदा जी जुबान पे आती वो कर जाती, मुझे तो अपना जीवन का संचालन करना नहीं आता, मैं भागवत क्या कर लूंगा। आपने कितने पुराण पढ़े? मैंने आपको कितने के बारे में ज्ञान है? बोले जी चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण। मैंने कहा भैया मैंने एक ही चीज पढ़ी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो है गुरु पुराण, और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं। राम को गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को पड़ी, हमें आपको भी है, पर गुरु करना जान पहचान के है ना, और पानी पीना छान के। पानी का टीडीएस गड़बड़ रहा तो जॉइंटिस हो जाएगा है ना, अम्लीय क्षारीय रहा ना तो फिर कोलाइटिस अल्सर भी हो सकता है, स्क्रीन डिजीज भी हो सकता है, और गुरु अगर जान पहचान के नहीं किया तो मामला कुछ और गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए बिना जाने पहचाने संबंध ना बनाए। मैं आवाहन अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, श्री श्री 1008 लिखा जाता है, और ईश्वर की अनुकंपा से हर गुरु पूर्णिमा को, हर गुरु पूर्णिमा को 5-10 हजार लोग तो होते ही है, पर अनुरागी होते हैं। आज तक मैंने एक भी व्यक्ति को गुरु दीक्षा नहीं दी। लोग बोलते महाराज आपका तो राष्ट्रीय स्तर पे काम है, आप गूगल पे जाओ, गूगल देवता से पूछो हु इज ब्रह्मांडपुरी, सब बता देंगे, वो कहां सेवा है कहां है, यूट्यूब पे जाओ वो बता देगा। अभी आपका कार्यक्रम KM म्यूजिक इंडिया टीवी जो ऑन करेगा ना अपने यहाँ, उसके यहाँ से लाइव जा रहे हैं। आप इतने प्रखर हैं, प्रभावी हैं, फिर आपने शिष्य क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा भाई अभी मैं खुद ही शिष्य हूँ, गुरु नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरी आदत धरातल पर रहने की है, उसी में आनंद आता है, क्योंकि शिष्य का जीवन शिष्य जैसा पारदर्शी होता है। अब तो जमाना ऐसा चल रहा है गुरु चेले एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे, चेला चाहता है एक ही दिन में मेरा बेड़ा पार हो जाए, और गुरु चाहता है एक ही दिन में पूरे आश्रम का खर्चा आ जाए। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? विरक्त। गुरु को नहीं चाहिए जी हवा का स्वाद। एक डेढ़ महीने पहले की बात है, हमारे खंडेलवाल साहब है, गुरु जी एसी लगवा देते, इधर बहुत तकलीफ हो रही है, इधर इसको तोड़ करके इस आश्रम को मोरर बनाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन खंडेलवाल साहब ने कहा कि गुरुदेव ये आश्रम को तोड़ देते हम नए तरीके से बनाएंगे। मैंने बोला आज आया फिर तुझे सुनना पड़ेगा अच्छा वाला श्लोक, पहले तू स्वयं को बना और अपने गुरु भाइयों के लिए बना। मेरी झोपड़ी तो ऐसे ही ठीक है, मैं एक तखत में ही ठीक हूं, क्योंकि आदमी ध्यान कर लेना आप थोड़ा सा, कुछ बातों पे चर्चा ठीक ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि वाद और संवाद की प्रक्रिया मेरे भाई, कोई भी गृहस्थ अगर आवश्यकता से ज्यादा भागता है तो परिवार से दूर हो जाता है।